وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। अच्छा आपको अब कैसा? अच्छा आप लोगों ने ना साथ में ये जो टीवी टूर्स में ना 500 ट्री भी ऐड करने हैं सबके अंदर। सर वो किस तरह करना है वो बता दें। अच्छा अभी ना आप जो भी प्रोटीन की सीक्वेंस है जिससे निम्ब एनालिसिस किया आपने, जी सर, जी सर। आप मुझे भेजिए मेमो वाली फाइल। सर जो जिसमें मैंने अभी किया जिसे आपने अभी किया मेमो वाली फाइल भेजे, और उसी मेम का ना आपने वो जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसका वो फाइलोजेनेटिक ट्री बना के उसकी वो दूसरी फाइल भेजे न्यूविक। न्यूविक जी सर। अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखे यहाँ पर ना आपने जाना है ग्राफिक में। जी सर। ग्राफिक में जाके आपने बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जाके जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाना है। ठीक है सर। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आपने न्यू में फॉर्मेट डाल देना है। कहाँ पे? ये ऊपर वाला। अच्छा। ये क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर आपने मेमो वाली फाइल ऐड कर देनी है। मीम वाली कौन सी सर? यो मीम प्रोटीन वाली। प्रोटीन वाली सर? प्रोटीन है ना, पेप्टाइड फॉर्म, पेप्टाइड वाली। मोटिफ मोटिफ मिम मिम वो एक्जिनमल वाली जो सेल की है। ठीक है शान, जो उस दिन हमने उसके लिए की थी। हाँ तो मैं वही तो कहना हूँ ना, वो प्रोटीन वाली कौन सी फाइल है? मिम एनालिसिस एक्जिनमल वाली फाइल है। मिम में सिंपल मिम एनालिसिस एक्जिनमल में करके। क्या फिर एक मिनट, यहाँ पर ट्री, यहाँ पर मेमी एनालिसिस। ठीक है सर, वो जो XML वाली फाइल है ना? XML वाली फाइल, यस। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो ट्री बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो अभी डोमेन एनालिसिस किया आपने CDD वाला, जी सर, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए तो फिर ये नीचे वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर CDD रिजल्ट करके यहाँ पर वो इसकी फास्टा फॉर्मेट प्रोटीन की, और यहाँ पर उसके CDD वाली जो फाइल है, जी सर, ये इधर अपलोड कर दे और इसको डन कर देंगे तो हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाएगा, मेमो वाला भी साथ ही और डोमेन वाली भी, तीनों कट्ठी कट्ठी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है सर, ये तीनों करके भेजे करें, फिर देखते हैं क्या बनता है। सर मुझे मेरे ना फ्रिजेरिया के मतलब होल प्रोटीन सीक्वेंस नहीं मिल रहा नेट से। क्या नहीं मेरा सर? होल प्रोटीन सीक्वेंस नहीं, होल जीनोमिक तो आपने मुझे NCBI से भेजा, बाकी ये प्रोटीन वाला नहीं मिल रहा। फाइटोसोम से भी देखा हर जगह, इसलिए मैंने आपसे मांगा था, आपने ये तीनों मुझे ढूंढ के दिए थे उस दिन और आपने सेव भी किया था, तो सर अपने फोल्डर में प्लीज देखें। एरिया के मैंने डाउनलोड किए थे। जी सर, आपने GFF भी किया था, होल जीनोमिक भी और प्रोटीन भी। अच्छा आपको मैंने कहा किए थे, मे बी आपके फोल्डर में होंगे। जी सर। ये क्या है? GFF फाइल है। जी सर। ये भी सेंड कर दें, बाकी प्रोटीन वाली नहीं मिल रही थी मुझे और GFF। GFF भी नहीं मिल रही थी? नहीं सर। चलिए मैं देख के ना फिर आपको भेजता हूँ। सर और सर दूसरा मैंने आपसे सब्स्टिट्यूशन और नॉन सब्स्टिट्यूशन का पूछना था कि वो एनालाइज किस तरीके से करना है। यार उसमें ना वो एक फाइल बनानी है, AXT फाइल। अच्छा सर, तो उसकी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बनानी है। कैलकुलेटर पे ऐड हो गया। जी सर, वही मैं चेक करी थी क्योंकि उसमें कुछ ऐड चीजें नहीं हो रही थी कैलकुलेटर में।
ये देखे ना वो उसमें ना ये हम लोगों ने जो CDD आप कह रहे हो कौन सा वाला ऐड करना है CDD में CDD वाले फॉर्मेट में जो अभी आपने कहा CDD में जाके ना आप ना जो NCBI में जाते हैं जब CDD में NCBI हाँ जी सर NCBI.CDD करें ना तो आ जाता है अच्छा नेक्स्ट लर्न डोमेन डेटाबेस में जाएं इसमें क्विक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप अपनी सीक्वेंस पेस्ट कर दें प्रोटीन की सर वो जो HTCC वो जो फाइल आती है H से जिसका नाम बनता है HTML नहीं नहीं ये सिंपल वो सीक्वेंस पेस्ट करना है सारी सीक्वेंसेस इसके अंदर अपलोड कर देनी है ऐड कर देनी है प्रोटीन की ठीक है सर और यहां P fam सेलेक्ट करना है ठीक है सर ओके P fam से रिजल्ट अच्छे आते हैं जी सर यानी हमने वो ये टीबी टूल वाले में हम लोगों ने तीन चीजें ऐड करनी है एक तो ये CDD वाले रिजल्ट्स एक अपना पेप्टाइड वाला और एक फाइलोजेनेटिक ट्री इकट्ठे करने के बाद उनका क्या करना है उसके अंदर ना जो आपको मैंने पेपर भेजा था ना जी सर अच्छा बच्चों मैं ना बस 5 मिनट दे मुझे मैं बेगम मेरी खाना लग गई है तो मैं खाना खा लूं पहले आप आपस में डिस्कशन करें जब तक ठीक है सर अच्छा शान एक सेकंड मुझे एक बात बता तूने टीबी टूल पे मीम एनालिसिस वाला काम कर लिया नहीं उसका पता कैसे करना है कैसे खोल इतनी देर तेरा मैं 5 मिनट सर के आने से पहले करवा देने मैंने खोल तू ना मीम वाला खोल यार मेरा ना भी लैपटॉप लगाना पड़ेगा मुझे और तार शार हर चीज अच्छा सही वो थोड़ी देर तक ना जैसे क्लास एंड होती है ना करते हैं मैंने कर लिया वो मैंने वो भी कर लिया और अभी वो वाला किया था प्रोटीन विजुलाइजेशन वो कैसे वो स्टीबी टूल पे ना सर की वीडियो देखी मैंने अच्छा वीडियो तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी आज मैं पहली बार सर की वीडियोस देखी तो उसमें तो बड़ा फायदा अच्छा। होता है यार तो उसके अंदर मैंने तू खोलेगी ना ये CDD वाला सर काम करवा रहे थे ना ये मैंने ले ली थी फाइल ये PFM वाली फाइल लेके उसको डाला वो टीबी टूल के अंदर साथ डाला आपका पेप्टाइड सीक्वेंस उसके बाद क्लिक किया प्रोटीन विजुलाइजेशन पे वो हो गया ग्राफिक्स में जाके चलो मैं थोड़ी देर तक करवाएं क्योंकि मैंने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया हां हां टेंशन ना ले वो हो जाएगा तू ना व्हाट्सएप खोल मैं तो रिजल्ट्स भेज रहा हूं अपने भेजो भेज दिए चेक कर आ गया वाव हैवी सीन है ना हैवी है भाई जबरदस्त ये सिर्फ 5 मिनट का काम है मतलब मैं वीडियो घंटा लग गया था मुझे लेकिन अब तेरे लिए बहुत 5 मिनट का ठीक है शुक्र है किसी ने मुझे भी ईज पहुंचाई बड़ा कमाल बनता है यार ये हैवी मतलब बहुत बहुत अच्छा है बहुत प्यारा काम किया है
ये करना है हमने अब। और दूसरी बात, अब जो अब मैं सर से ना एक दफा ना इसी वीडियो के अंदर, ये वीडियो हम जब देखेंगे ना इसी वीडियो के अंदर, मैं सर से अब सिंकनी एनालिसिस वाला दोबारा कराऊंगा काम। हाँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। डिस्टेंस में जाके ना कंप्यूट पेयर वाइज डिस्टेंस। जी सर। अच्छा अब ऑल ऑफ प्रोटीन अलाइनमेंट, इधर आप जाके ना पी डिस्टेंस की बजाय यहां पर है नहीं सॉरी ये ना वो डीएनए वाली सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा डीएनए में किया क्या? सीडीएनए सॉरी जीनोमिक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा एक बार मैं दोबारा से ले, हमारी कोई जीनोमिक सीक्वेंस पड़ी है ना इधर? कोई पड़ी हुई है ये जीनोम सीक्वेंस है, ये कंट्रोल ए कॉपी, ये है उसके लिए वो जो आप कहते हैं अभी बात कर रहे थे, क्या नाम है उसका, अभी मैं बताता हूं। अब हम जाते हैं मेगा एक्स में, ठीक है, यहां पर अलाइन डेट बेल्ट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, डीएनए सीक्वेंस। अच्छा शान आप ना ये गलती करते हो कि यहां पर पेस्ट करने के बाद ना यहां नीचे सिक वन है ये डिलीट करनी होती है। सर क्या कहां पे? सही नीचे सीक्वेंस वन आता है इस सब के नीचे, जितनी आपकी सब के नीचे वही फिल्म मैंने दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखना आप अलाइनमेंट करते हो, एडिट बेल्ट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, डीएनए, यहाँ जब आप पेस्ट करते हो ना जो एंड के ऊपर एक सीक्वेंस वन का नाम का ना एक फोल्ड आता है ये वाला। किधर सर? लास्ट में वो डिलीट करना होता है बस आपने, ये जब वीडियो आएगी ना तो पता चल जाएगा। अच्छा अब आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है, किसी भी थ्रू कर लो, मसल कर लो जो भी है, और इसको कर लिया ठीक है। अंदर भी वो सब्स्टिट्यूशन नॉन सब्स्टिट्यूशन एनालिसिस हो जाता है, मैंने देखा है अभी, वो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर आपकी वीडियो स्टक हो गई है एक ही जगह, वो ये एनालिसिस हो रहा है ना ये देखे। ओके सर ठीक है, अब ये होता है तो फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। अच्छा जब तक ये मुझे लगता है अगर हम इसको छेड़ेंगे ना जो ये एनालिसिस इसका खराब हो जाता है। तुम्हारा टाइम लेगा
हो जाएगा हो जाएगा सर नहीं लेता ज्यादा आपकी कोई जीनोमिक डीएनए वाली अलाइनमेंट की हुई फाइल पड़ी है सर लैपटॉप में पड़ी है लेट मी चेक सर अच्छा आपका कहानी स्टार्ट कैसे होनी है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वाली आपने क्या करना है कि आपने कहा कि हमने सर्च किया हमने अरेबिक ऑप्शंस की डॉक में ली और उसका हमने सर्च किया फाइटोसोम डेटाबेस के अंदर तो हमें 53 या 45 या 2 गिगाहर्ट्ज़ हमें टोटल सीक्वेंसेस मिली और उनमें से हमें पता चला कि चार सीक्वेंसेस ऐसी हैं जिसके अंदर डॉग डोमेन तो है लेकिन डॉग डोमेन जो थी ना उसके अंदर वो उसकी सीक्वेंस सिर्फ 25 टू 30 अमीनो एसिड थी ठीक है जी सर तो वो एक फंक्शनल डोमेन नहीं थी उसके अंदर ठीक है फर्ज किया आपको ऐसी मिली गई तो आपने कह दिया कि हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया उन सीक्वेंसेस को और कुछ के अंदर तो बिल्कुल नहीं थी कुछ के अंदर जब हमने देखा तो उसके अंदर फंक्शनल डोमेन नहीं थी फिर हमने सिर्फ उन सीक्वेंसेस को रखा जो नॉन रिडंडेंट सीक्वेंसेस थी वो हमने डिलीट कर दी फिर हमने सिर्फ रिडंडेंट सीक्वेंसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उनको फिर नाम दे दिया जो भी है इसको FV.1, FV.2, FV.3, FV.4 ये सारा मेरी बात की समझ आ गई उसका क्या देखा हमने देखा कि इसका इनमें से इनके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था ये जो प्रोटीन है यहाँ एक्सप्रेस होती है वहां एक्सप्रेस होती है फिर वो सारे एक एक हेडिंग स्टार्ट ऐसे करनी है उसके बाद हमने इसका जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर बनाया फिर हमने देखा कि इसके अंदर कौन सी जो आपस में डुप्लीकेट है कितने डुप्लीकेट है अच्छा दो तरह के डुप्लीकेट होते हैं ठीक है एक होते हैं कौन कौन से होते हैं फिजा या मरियम बताइए सेगमेंटल और टैंडम कौन कौन से सेगमेंटल और टैंडम डुप्लीकेशन टैंडम जो होते हैं वो उसी क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं ठीक है कितने केबी होते हैं वो नो आइडिया अभी उसी क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई मुझे लगता है कि 10-15, 3-4 हजार केबी के इर्द गिर्द हो रहा सीक्वेंस कोई रेंज है तो वो हम कहते हैं कि ये टैंडम है अगर हमें कोई ऐसा क्रोमोसोम जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिले और उनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो ये ना हो कि अभी फर्ज किया वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वो हम उसको नहीं कहेंगे टैंडम वाला मतलब ये है कि दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हो और दोनों की स्ट्रक्चर भी मिलती जुलती हो जी सर तो वो होंगे टैंडम डुप्लीकेट अच्छा एक सीक्वेंस इस क्रोमोसोम में वन पे और वो दूसरी किसी और के ऊपर है और उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है और काफी हद तक मिलती जुलती है तो उसे हम कहेंगे सेगमेंटेड डुप्लीकेशन अब आप बताएंगे कि इसके अंदर कितने जीन है जो सेगमेंटेड डुप्लीकेट है और कितने जीन पेयर हैं जो के रैंडम डुप्लीकेशन डुप्लीकेट है ये एनालिसिस आपका हो गया ठीक है अच्छा फिर आपने क्या करना है कि ये चीजें करने के बाद फाइलोजेनेटिक ट्री के मुताबिक फिर आपने देखा इसकी ग्रुपिंग कर ली C1, C2 जो भी है आपने देखा कि इसके अंदर टोटल जो डॉफ की ना ग्रुपिंग है वो 10 है या 12 है और आप देखेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब आपने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया तो आपकी ग्रुपिंग किन किन ग्रुप के जो मेंबर है ना वो आपके अंदर है ठीक है आपके इस किस में आते हैं ठीक है ये सारा काम करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसका वो कोई जब आप उसके बाद आपने क्या करना है कि ये कर लिया फिर उसका सिंटेनी एनालिसिस भी आपने डिस्प्ले कर लिया फिर आपका जीन एक्सप्रेशन डाटा अगर ESC डाटा फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका जीन जहां जहां एक्सप्रेस होता है ठीक है और यहां एक्सप्रेस नहीं होता
फिर अगर आपकी सीक्वेंस अरेबिडोप्सिस की किसी पैरा होमोलॉग से मिलती है, फिर देखेंगे कि उसकी और आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन मिल रही है, तो उसका फिर डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आपकी जो FBDOF13 है, that has sequence homology with the Arabidopsis DOF2, and they both have the amino acid, and both have the same number of intron, both have the same number of domain, and even the domain structure is the same. ठीक है? अच्छा, predict that this has also the same function as the Arabidopsis. तो इस तरह की कहानी जरा सारी प्रोटीन की जितनी मैक्सिमम आप एनालाइज कर सके, ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की बातें हैं सारे के सारे। जी सर। और इसके अलावा और क्या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में लिखा जा सकता है? और भी जितने आप एनालिसिस करते जाओ उसको ना अपनी जो है ना, अच्छा कोई ऐसे स्पेसिफिक फसगिया मोटिव्स है या जो आपके प्रोटीन के अंदर है जो दुनिया के और किसी के अंदर नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है तो ये चीजें हैं इसको। अच्छा, ये सारी कहानी जब तक आप लिखते जाओगे तो आपका जहन जो है ना अपडेट होता जाएगा, रिजल्ट्स आप लोगों के आते रहेंगे। तो मैं साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें आपको भेजता रहता हूँ व्हाट्सएप के, जो मुझे यूनिक चीजें मिलती हैं। तो आप ये कैसे मिलती है, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो, रिसर्च पेपर के अंदर जो वो जीन जो एक्सप्रेस करवाया होता है कहीं, वो जीन जो है ना वो ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक ऑर्थोलॉग होता है जो ऑलरेडी कैरेक्टराइज किया हो। जी सर। ये मैंने काफी आपके ना इधर जीन ऐसे ऐड किए हैं जो के वेल कैरेक्टराइज है। अगर तो आपका जीन उससे मिलता जुलता है तो फिर आप कहेंगे कि ये हमारा उसके मुताबिक इस का फिर अच्छा, आप कोशिश करेंगे जो फ्रिजेरिया है ना आपकी, जो फैमिली के अंदर कोई इसी फैमिली के अंदर कोई और अगर डोमेन रिपोर्टेड है तो फिर ये देखेंगे उसके साथ भी एनालाइज करने की कोशिश करें कि आपकी अंदर रोजेसिया अगर इवन वो रिपोर्ट भी हुई हुई है तो उसके साथ डिटेल एनालिसिस करें। जी सर, अपनी डॉग डोमेन को ETR के डोमेन के साथ हम एनालाइज कर सकते हैं। ETR के साथ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो रुजेसी फैमिली है ना ये। जी सर। तो रुजेसी फैमिली के अंदर अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डॉफ सीक्वेंस रिपोर्ट हुई हुई है उसके साथ मेन एनालाइज करें। नहीं लगी समझ? लगी सर, जैसे किसी और फैमिली में यानी रोजेसी की, मतलब अगर आप रोज की एग्जांपल ले लें, किसी और फ्रूट की ले लें, उसमें अगर डॉफ डोमेन के ऊपर काम हुआ है तो उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करें तो फिर देखेंगे कि ये जीन कैसे यहाँ पर पहुंचा, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई होगी। तो ये चीजें इस तरह कोई यूनिक, फिर अल्टीमेटली आप लोगों ने कंक्लूजन देना है कि इसके अंदर इतनी डोमेन थी, इतनी ये थी, इसमें से ये यूनिक जीन मिला है दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड दिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डोमेन ऐड हुई हुई है जो कि पिछली किसी भी अच्छा तो उसके अंदर से रिपोर्ट नहीं हुई हुई। तो वो कहानी आपने जितना वेल करेक्टराइज कर ले तो वो अच्छा है। जी सर। फिर वो जो अभी ये हो ही नहीं रहा, अभी एक पेपर है कल, मैंने ना असल में लेक्चर इसलिए लिया था, मैंने एक पेपर ना सबमिट करवाना था, मैंने ना एक पेपर है वो उन्होंने मुझे भेजा हुआ था रिव्यू, उसके ऊपर ना कमेंट्स भेजे हुए थे, तो वो कह रहे थे इसको ना जल्दी से आज ही पर करके भेजो, कल मैं शाम तक वो पेपर दोबारा ना उसके जो उन्होंने रिव्यू वाली गलतियां निकाली थी ना वो सारी करके मैंने भेजी है वापस। गुड सर।
10 बज गए थे मेरे पास, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन अलाइनमेंट है, एक्स्ट्रा एक्सॉन इंट्रास्ट्रक्चर एनर्जी कंसर्न मोटोसिस रेगुलेटरी एनालिसिस। अच्छा, ये वाला अब खत्म कर देना है। जी सर, अभी टीबी टूल के थ्रू करेंगे। टीबी टूल के थ्रू वाला वो ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को पेपर भेजा था जो इससे पहले भेजा था, वो किधर आ गया? बायोइनफॉर्मेटिक्स। ये भेजा था आपने, मरियम आपने ये चीजें नहीं इसके अंदर ऐड की हुई, ये इन्फरेंस ऑफ डुप्लीकेशन इवेंट। सर ये अभी किया ही नहीं था, ये कैसे करना कुछ पता ही नहीं। ये जो अभी मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ ये है, इसके अंदर आपने लिखना कि आपने ये जो मेगा सिक्स है, मेगा एक्स वाज यूज टू मेक द पेयर अलाइनमेंट ऑफ पैरेलल प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। आपने पहले प्रोटीन सीक्वेंस से ये मालूम करना है कि कौन से आपस में एक ही क्लेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसी के डीएनए सीक्वेंस से हमने ये मालूम करना है कि उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन और नॉन सब्स्टिट्यूशन कितनी है। अच्छा, वो अभी मैं करने लगा हूं। प्रोटीन से ये पता चलेगा कि जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, वो दोनों आपस में पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट पैरालॉग तो सारे होंगे आपस में, डुप्लीकेट हो। जिस तरह मैं आप लोगों को कल एक मिनट आप लोगों को क्या किया था व्हाट्सएप में, जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले आपने हम करके भेजा मुझे अभी तक, इसे मुझे लगता है मरियम आप ढीली हो गई है। नहीं सर, ये इसने मुझे करके भेजा था, जिशान आपने करके भेजा था। मेरा ना काफी काम छूट गया क्योंकि। अच्छा, ये देखे, ये बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले करके भेजा था इसने जिशान ने। अब ये देखे ना, ये दोनों इंट्रॉन एग्जॉन स्ट्रक्चर है जी। एक तो ये हो गया, एक आपने इसी तरह का बनाना है साथ में फॉलोजन ट्री भी, और ये डोमेन स्ट्रक्चर ये अभी मैंने इनको कहा टीबी टू से बनाए। ये देखे इससे ये जो इसी तरह का स्ट्रक्चर वो टीवी टूल में बनेगा अलॉन्ग विद डोमेन डोमेन पैटर्न, ठीक है। तो अब यहां से ये पता चलेगा कि कौन सी जीन आपस में डुप्लीकेट है। अब ये LF3 और DOF5 इसके अंदर ये जो है ना, आप देखेंगे ये जो एग्जॉन है ना, ये ब्लू वाला तो है अपस्ट्रीम रीजन, या अपस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, लेकिन दरमियान वाला जो रीजन है ये देखिए दोनों के अंदर सिमिलर है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट, ये छोटी लग रही है। अच्छा, ये और ये दोनों हालांकि आए एक क्लेड में है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के अंदर ना कोई ये डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन ये डुप्लीकेट लग रहे हैं। अच्छा, अब ये 32 और 28 ये दोनों लग रहे हैं, क्योंकि मेन हमने ये चीज ये देखो इसके अंदर इंट्रॉन भी है एक्सॉन भी है, ठीक है। ये तो वो एक्सट्रा सीक्वेंसेस आई हुई है इसके अंदर भी, इनके अंदर भी ऐड कर सकते थे, वो इश्यू कोई नहीं। हमने मेन देखना है कि इंट्रॉन और एक्सॉन रीजन, इसके मुताबिक ये तीनों आपस में डुप्लीकेट लग रहे हैं। यहां ये और ये दोनों ये नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। अब आपने ऐसे इंटरप्रेट करना है कि अगर आपको ये दोनों आपस में डुप्लीकेट है, लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे जब, अच्छा अब ये देखना है कि इसकी वो आगे, एक तो इससे कंफर्म हो गया कि ये डुप्लीकेट है, और दूसरा इसकी डोमेन एनालिसिस से भी पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं है, ठीक है। और तीसरे तरीके से कैसे करेंगे
कि तीसरे ये जो सब्स्टिट्यूशन और नॉन सब्स्टिट्यूशन रेट्स हैं, ये अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा तो मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी सर। जी सर। एक तो ये हो गया। अच्छा अब पेपर के आगे हम क्या करेंगे, ये तो चीजें हम यहाँ से इसको आपने, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ कि आपने ये यूज करना है कौन सा सॉफ्टवेयर, मेगा एक्स। जो भी इसकी वर्जन है वो आप देख लेंगे। Was used to make the pairwise alignment of parallelogram sequences of their spectrum nucleotide to then used to calculate synonymous and non-substituent using ये भी उसी के थ्रू ही करना हमने, इसी के थ्रू मेगा एक्स के थ्रू। ठीक है जी सर। अच्छा इस तरह इसका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। KS value were then used to calculate the approximate date of duplication. ये formula है, ठीक है? ये phi की एक specific value होती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो duplicate gene हुआ है ना, ये इसको कितने साल हो गए हैं? नहीं लगी समझ? अच्छा वो कैसे? ये एक formula। ये के एस जो की जो वैल्यू आएगी ना के एस की सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रेट की, ये टी इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय 2 फाई, फाई की एक स्पेसिफिक ना होती है वैल्यू। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो जीन है ना, ये दोनों जीन आपस में डुप्लीकेट, इसको कितने साल हो गए। ठीक हो गया सर। डुप्लीकेशन टाइम बता देता है। और अदर इवन अगर आपने ये देखना कि आपका जीन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्थोलॉग है, इवन ये भी बता देगा कि अगर आपका जीन वहां से आया है तो वहां कितना मिलियन ईयर या कितने साल पहले या कितने हजार साल पहले ये जो कहानी है ना ये हुई थी। ये सर लगी समझ? तो ये बड़ा खूबसूरत है ये एनालिसिस है ना, तो ये आपने करना है साथ में। अच्छा नेक्स्ट ये है ये फंक्शनल डाइवर्जेंस एनालिसिस एंड डेटर। अच्छा अब तीन तरह की सिलेक्शन होती है, एक पॉजिटिव सिलेक्शन, एक न्यूट्रल सिलेक्शन, एक नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स में ये भी अंदाजा होता है ये आपकी जो जीन है इसके बाद पॉजिटिव सिलेक्शन हुई, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर डाइवर्जेंस इसके अंदर से फिर ये हम स्लैक, ये तीन चार सॉफ्टवेयर है ये हमें बताते हैं कि आपकी जो है ना ये डाटा मंकी डॉट ओआरजी पे जाएंगे ना स्लैक, ये हमें बताएगा कि आपका जो है ना पॉजिटिव सिलेक्शन है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं भी पढ़ रहा हूँ, काइंडली आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होती है, न्यूट्रल सिलेक्शन क्या होती है, नेगेटिव सिलेक्शन क्या होती है। ये इसका तल्लक भी जीन डुप्लीकेशन इवेंट के साथ ही है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है पता नहीं के एस और के, ये जो देखो ना के एस क्या है सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रेट, सिनोनिमस वो सब्स्टिट्यूशन होती है जिससे क्या होता है कि आपकी ऐसी जगह म्यूटेशन आती है जिससे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाती है। नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन वो होती है जिसके थ्रू म्यूटेशन तो होती है लेकिन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं आता, चेंज नहीं आती। ये दोनों चीजें हमने कैसे मालूम करनी है, मेगा एक्स के थ्रू। और फिर इसी को के एस और के ए की वैल्यू से हम ये डिफरेंट ये इस तरह के एनालिसिस करते हैं, ये जो स्लैक है, ये रैंडम है। अच्छा और इस
इससे फिर हमें अंदाजा होता है कि ये जो है ना आपका करंटली यूज सिग्नेचर सिलेक्शन एज इट रोड टी टोपोलॉजी एंड ब्रांच लेंथ टू चेंज द ग्राफ डिटेक्टर रिकॉम्बिनेंट बैक पॉइंट, और ये जब आप इसको थोड़ा सा मैं भी पढ़ता हूँ कि पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन और न्यूट्रल सिलेक्शन, ठीक है, तो ये चीजें अच्छा ये हो गया, और उसके बाद वाटरफॉल एनालिसिस हो गया, ये भी ये देखो ना इतना खूबसूरत नहीं बनेगा,